गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मेज प्लांट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसकी क्लासिफिकेशन देख लें। क्लासिफिकेशन किंगडम हम बात कर रहे हैं प्लांटे, किंगडम हम बात कर रहे हैं प्लांटे। डिवीजन ट्रैकियोफाइटा में हम बात कर रहे हैं कि ये वेस्कुलर प्लांट्स हैं। स्पर्मेटोफाइटेना सीड प्लांट्स हैं। क्लास मैग्नोलियोप्सिडा, क्लास मैग्नोलियोप्सिडा। ऑर्डर पोएस, फैमिली पोएसी। जीनस जिया। और स्पीशीज है हमारे पास जिया मेज। मेज को क्या साइंटिफिक नेम कह रहे हैं? जिया मेज कह रहे हैं। ये क्या है? ये एक तरह की एनुअल ग्रास है, ठीक है। फैमिली इसकी ग्रैमिनी है, जिसमें कि वीट, राई, बार्ले, राइस, सोरगम, शुगर केन, ये सब इसमें इंक्लूडेड है। एग्जाम्पल जो अदर एग्जाम्पल है इस फैमिली के, पोएसी फैमिली, इसको ग्रैमिनी फैमिली भी कहते हैं। मेज में टू एंड डिप्लॉयड क्रोमोसोम जो है वो 20 हैं और एन जो है वो 10 है। कंबाइंड लेंथ की हम बात करें, लेंथ ऑफ क्रोमोसोम्स, वो 1500 सेंटीमॉर्गन है। क्रोमोसोमल नोम्स इसमें स्पेशलाइज करेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, जिसके क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं उसमें। क्रोमोसोमल नोम्स नोब्स पाए जाते हैं। वो नोब्स क्या हैं? दे आर हाईली रिपीटेटिव हिट्रोक्रोमैटिन, हाईली रिपीटेटिव हिट्रोक्रोमैटिक डोमेन्स हैं दैट स्टेन डार्कली। जब इसको स्टेन किया जाएगा तो डार्क कलर के स्टेन होंगे और हिट्रोक्रोमैटिक है ये, ठीक है। बहुत सारे रिपीटेटिव यूनिट्स हैं इसमें। इंडिविजुअल नोब्स जो हैं दे आर पॉलीमॉर्फिक, मतलब बहुत सारे इसके वेरिएंट्स अवेलेबल हैं अमंग स्ट्रेन्स ऑफ बोथ मेज एंड टियोस्टाइन, ठीक है। मेज और टियोस्टाइन में अलग अलग जो इसके वेरिएंट्स अवेलेबल हैं। फिर बार्बरा मैक्लिंटॉक में जो यूज किए गए हैं, इन नोब्स को यूज किया जा रहा है एज मार्कर्स, ताकि हम डिफरेंट जो ट्रांसपोजोन थ्योरी है उसको वैलिडेट कर सके, उसको प्रूव कर सके। बार्बरा मैक्लिंटॉक जो एक साइंटिस्ट हुए हैं, इन्होंने इन नोब्स को यूज किया है एज मार्कर्स और ट्रांसपोजोम थ्योरी को प्रूव करने के लिए, जो कि जंपिंग जीन्स को लेकर है। और इसमें उनको नोबेल प्राइज मिला 1983 में। फिजियोलॉजी और मेडिसिन ब्रांच है, उसमें इनको नोबेल प्राइज मिला है। मेज जो एक इम्पॉर्टेंट मॉडल ऑर्गेनिज्म है फॉर जेनेटिक्स डेवलपमेंटल बायोलॉजी, जेनेटिक्स के तौर पे अनुवांशिकी के लिए और जैव विकासात्मक जीव विज्ञान के लिए जो है मेज जो है एक मॉडल ऑर्गेनिज्म की तरह यूज किया जाता है। यहाँ हम आगे बात कर लें फैमिली पोएसी या ग्रामिनी के बारे में डिटेल में, और उसके करेक्टरिस्टिक फीचर्स देख लें। ये जो है मोस्टली हर्ब्स हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं। स्टेम जो है इसकी ज्वाइंटेड रहेगी, फिस्टुलर सिलेंड्रिकल जुड़ी हुई है और सिलेंड्रिकल है, गोल है। लीव्स जो है वो सिंपल हैं, अल्टरनेट हैं, एक टहनी पर लगा हुआ है तो थोड़ा सा दूसरी टहनी पर अल्टरनेट लगे हुए हैं। शीथिंग प्रेजेंट है, शीथ ओपन होती है, मतलब पतली सी स्टेम के ऊपर जो लीव की एक शीथ रहती है वो प्रेजेंट रहती है और शीथ ओपन भी होती है। लाइगुलेटेड है, जितने भी पौधे हैं वो लाइगुलेटेड हैं। इन्फ्लोरेसेंस जो है इसमें कंपाउंड मिलेगी और स्पाइक है, सभी में स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस मिलेगी। फ्लावर्स जो है जाइगोमॉर्फिक है और ओवरी जो है ओवरी की कंडीशन हाइपोगाइनस है। प्रोटेक्टेड बाय पेलिया, पेलिया से प्रोटेक्टेड रहते हैं। फ्लावर के बाहर की जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है वो पेलिया है। पेरियंथ रिप्रेजेंटेड बाय टू और थ्री माइन्यूट स्केल्स, पेरियंथ जो है यहाँ पर छोटे छोटे स्केल्स की तरह दिखाई देता है, जिसको लॉडिक्यूल्स कह रहे हैं। स्टेमल्स जो है तीन है और वर्सेटाइल है, स्टेराइल है, ठीक है। तीन है स्टेमल्स और एक्टिव है। कार्पल वन है, स्टाइल टू और थ्री भी हो सकता है। स्टिग्मा जो है इसमें फीदरी होता है, बेसल प्लासेंटेशन है ओवरी में ओव्यूल्स की। फ्रूट जो है कैरियोप्सिस है। टेस्टा जो है जब सीड टेस्ट में टेस्टा और टेगमेंट बनेंगे, टेस्टा जो है फ्यूज विद पेरिकार्प है। इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स देख लें, हैबिट कैसी है इसकी। हर्ब है, एनुअल और पेरिनियल दोनों मिलेंगे इसमें। शॉप भी है, कुछ कुछ ट्री भी मिलेंगे आपको। रूट जो एडवेंटिशियस है, फाइब्रस है, ब्रांच्ड है, फेसिकल्ड है और स्टिल्ट है। स्टेम इसकी अंडरग्राउंड राइजोम टिलर्स के फॉर्म में मिलेगी। मेज में ज्यादातर होने वाली जो डिजीज है वो स्टॉक रोट है, उसके बारे में हम बात कर लें यहाँ पर कि इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है इरविनिया क्राइसेंथेमी है। इरविनिया क्राइसेंथेमी है जो कि इसकी वेराइटी जिया सॉबेट बोल रहे हैं उसको। तो कॉजल ऑर्गेनिज्म इरविनिया क्राइसेंथेमी किसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है? स्टॉक रोट इन मेज।
हिस्ट्री की बात कर लें तो 1930 में पूसा बिहार में ये सबसे पहले रिपोर्ट किया गया था। उसके बाद जो है फर्स्ट डिजीज जो है जिसकी स्टडी की गई थी हिंगोरानी साइंटिस्ट है उन्होंने की थी 1959 में। सिम्टम्स क्या क्या हैं? फाउंड इन मोस्ट रेनी एरियाज, ज्यादातर जो बरसाती इलाकों में मिलता है ये डिजीज। स्टेम रॉट इन मेज, डिजीज जो है जनरली अर्ली स्टेज ऑफ ग्रोथ में मिलेगा, जब पक्के की पौधे की थोड़ी सी ग्रोथ हुई होगी, वेजिटेटिव ग्रोथ, तभी मिल जाएगा। रोटिंग कब मिलेगी? जब इस फाउंड ऑन स्टेम कवरिंग, जो तना है उसकी जो कवरिंग है बनी हुई उस कवरिंग पर ही मिलेगी। अफेक्टेड एरियाज ऑफ स्टेम आर इनिशियली सॉफ्ट, जो स्टेम जहां पर ये रोग लगा है वो रोग वाले स्टेम जो है सॉफ्ट होंगे और धीरे धीरे क्या है हार्ड हो जाएंगे और लास्ट में वो फट जाएंगे। अर्ली स्टेज में लीव्स जो है वो येलो कलर के दिखेंगे, बाद में झड़ने शुरू हो जाएंगे। पौधा जो है कम्प्लीटली जो है गिर जाएगा ग्राउंड पर, जब बीमारी इसकी कैसे ऊपर से नीचे की तरफ आएगी, टॉप से ग्राउंड की तरफ आएगी, और इसकी जो स्मेल है वो बहुत ज्यादा गंदी फाउल स्मेल होगी। अब हम पैथोजन के बारे में देख लें कि इसका पैथोजन कैसा है। फ्लैजिला फाउंड अराउंड द सेल वॉल, सेल वॉल के आसपास फ्लैजिला मिलेंगे, जिसको कि पेरिट्राइकस कंडीशन कह रहे हैं, कि कोई ऐसा बैक्टीरिया या फंगस जिसके आसपास जो है पूरे सेल वॉल के अराउंड जो है फ्लैजिला लगे हों, तो पेरिट्राइकस कंडीशन रहती है। ग्राम नेगेटिव है, एंडोस्पोर्स हैं, कैप्सूल डज नॉट प्रोड्यूस पैथोजन, कैप्सूल जो है वो पैथोजन प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। फ्राइड एग लाइक कलोनी होती है अपियर इसमें कल्चर मीडियम में। पैथोजन जो है वो रॉड शेप रहेंगे, छड़ के आकार के रहेंगे और समूह में मिलेंगे। समूह जो है उनकी कलोनी का जो साइज है 0.5x7x1.5 अप्रोक्स 3.0 माइक्रोन मिलेगा। डिजीज साइकिल की बात कर ले तो पैथोजन जो है ऑफ सीजन में जो है एक्ट करेगा सेप्रोफाइट की तरह, यानी दूसरे पौधे जो हैं उनके अवशेषों पे पाया जाएगा। ट्रांसमिशन जो हो रहा है वो बरसात के पानी से होगा और इरिगेटेड वाटर के थ्रू होगा। फेवरेबल कंडीशन, ये कब कब रोग उत्पन्न होगा? जब वायु में बहुत ज्यादा आर्द्रता रहेगी, ह्यूमिडिटी हाई रहेगी और टेम्परेचर 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। हाई डोज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स की देने की जरूरत पड़ेगी, तो ये जो है जल्दी रोग उत्पन्न हो सकता है, अगर आपको रोग उत्पन्न करना है अपने उसमें खेतों में, मक्के के खेत में। फिर फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड और पोटेशियम पेंटाऑक्साइड जो है ये फर्टिलाइजर्स हैं, यूज किए जाते हैं ताकि ये डिजीज का आक्रेस कम हो सके। ठीक है, ये फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते हैं, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर यूज करेंगे तो ये डिजीज आ जाएगा, लेकिन ये फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं आप दोनों तो ये डिजीज कम हो जाएगा। मैनेजमेंट कैसे करें? जितने भी प्लांट है, अफेक्टेड प्लांट है या प्लांट के रेजिड्यूज हैं, उनको जल्दी से बर्न कर देना चाहिए। स्प्रिंकल वाटर जो है वो हमेशा क्लोरिनेटेड वाटर होना चाहिए, क्योंकि इरिगेटेड वाटर के थ्रू भी ये ट्रांसमिट कर रहा था, जो खेती के लिए हम पानी इरिगेशन के लिए डाल रहे हैं उससे भी ये फैल रहा था, तो हमें क्लोरिनेटेड वाटर यूज करना है। सोयल ड्रेंचिंग जो है 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर क्लोरीन से करनी चाहिए। पानी में जब भी सॉइल में जब भी पानी लगाएं तो क्लोरीन हमेशा 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से क्लोरीन की मात्रा उसमें होनी चाहिए। टॉलरेंट जो कल्टीवर है, यानी कि इसकी जो टॉलरेंट वेराइटी है गंगा 2, उसको यूज करना चाहिए एपिडेमिक एरियाज में जहां पर कि ये रोग बहुत ज्यादा पाया जाता है। ये कुछ इसके सिम्टम्स हैं जो जनरली खेतों में दिखाई देते हैं, कि इसका जो तना है देखिए कैसे यहां पर जो है, यहां पर ये तना जो है कैसे गल गया है। ठीक है, ये यहां पर देखिए ये स्टेम के ऊपर जो पतली शीट दिख रही है इसी लीफ शीट की मैं आपको बात कर रही थी। ये देखिए लीफ इसका। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो यहीं तक था। आज हमने मेज के बारे में पढ़ा, मेज का जनरल जो है क्लासिफिकेशन, उसके फीचर्स, और उसके बाद हमने जो है पोएसी फैमिली या ग्रामीणी फैमिली के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े जिससे मेज बिलोंग करता है, और मेज में होने वाली एक डिजीज के बारे में पढ़ा, स्टॉक रोट के बारे में पढ़ा। तो आपसे उम्मीद है कि जब आप इस वीडियो को देखें तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें लेटेस्ट वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच।